बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदक हुसैन। आज मैं आपको छठे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ और हमारा आज का लेसन नंबर जो है वो है 53। इंसानी सरगर्मियाँ माहौल को किस तरह से मुतासर करती हैं, वजाहत करें, ये है हमारा आज का सवाल और इसका आंसर है पेज नंबर 81 के ऊपर। इंसानी सरगर्मियों के आबोहवा, हवाओं और मौसम पर असरात, क्या हम वाकई एटमॉस्फेयर में ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिससे आलमी सतह पर आबोहवा में तब्दीली पैदा हो जाएगी? क्या इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में शामिल होने वाली ग्रीन हाउस गैसों से ज़मीनी टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा और क्या इससे हवाओं के रुख, बारिशों की शिद्दत और मौसमती हालात इंसान और दूसरे जानवरों के लिए नामुवाफ़िक हो जाएंगे? 20वीं सदी के दूसरे निसम में बढ़ते हुए ज़मीनी टेम्परेचर और ग्रीन हाउस गैसों की मकदार में करीबी तल्लक पाया गया है। बाद माहरीन मौसमियात के मुताबिक मुस्तकबिल में गर्मी नाकाबले बर्दाश्त हो जाएगी, सहराओं में इजाफा हो जाएगा, बाज़ इलाकों में सैलाब आएंगे, बर्फ़ के पिघलने से समुद्रों की सतह बुलंद हो जाएगी और आबो हवा में तब्दीली की वजह से बहुत सी स्पीसीज ना पैदा हो जाएंगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सवाल था, ये ख़त्म हुआ। आपने इसको सर का पेपर नोट कर लेना है और इसे याद भी करना है। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो कमेंट्स के खाने में जाकर कमेंट्स करने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।